हेलो साथियों, मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। आप देख रहे हैं शून्य से शिखर तक मैथमेटिक्स का 30 नंबर पार्ट। दोस्तों, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, आप मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं, आप आज से टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल आपको मैथ सिखाएंगे हम, गारंटी के साथ सिखाएंगे। कोई हुई उम्मीदें वापस आएंगी, बस आप हौसला बना के रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो फिर आप भी अपनी मंजिल इस क्लास में ढूंढ लेना, और अगर आप मैथ सीख जाओगे तो फिर भूल तो नहीं जाओगे, कमेंट करके बताना। चलो, और सीख तो जाओगे, गारंटी हमारी है। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन में डिवीजन, भिन्नों का भाग। एकदम शून्य से जब बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, तब से वहाँ से वैसे ही सीखेंगे। चलो, पहले है 5/7। इसको हम ऐसे चुपचाप लिख लेंगे, जहाँ भी दो भिन्ने दी रहेंगी, बीच में ये भाग का चिन्ह है, दो बिंदी, बीच में एक लाइन। तो साथियों, इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया जाता है, भाग का चिन्ह हट जाता है, और ये बंदा इसके साथ बेवफाई करके पलट जाता है, मतलब उलट जाता है अपने के उल्टा। जो दो ऊपर था, तीन नीचे था ना, तो बच्चा ये तीन ऊपर हो जाता है, दो नीचे हो जाता है। बस यही तो सारी कहानी थी, हो गई ख़त्म। नीचे गुणा कर लो, उत्तर आ गया। ऊपर ऊपर गुणा कर लो, नीचे नीचे कर लो, जो आप गुणा में सीख चुके हो पिछली क्लास में, अब तो बताने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक ही लाइन आपको बताना था। तो ये कम्प्लीटली फाइनल में आपको बन जाएगा, 5 3 15 एंड 7 2 14। ओके, लिख लो, ये हो गया उत्तर। समझ में आया ना, कितना आसान था। पहली भिन्न को लिख लो चुपचाप, भाग का चिन्ह हटा दो, गुणा लगा दो, और इसको पलट दो, जो रहे जो नीचे गिनती उसे ऊपर कर दो, ऊपर वाली को नीचे कर दो, बस। ऊपर नीचे करना जानते हो ना। चलो देखो, इधर 8/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ पहले से ही बुद्धि गड़बड़ हो गई है। यहाँ तो पहले से ही भाई लोग लगा है गुड़ा, ये गुड़ा नहीं रहेगा, यहाँ भाग रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, भाग के सवाल करने की नीयत से आए हैं। तो भाग का चिन्ह हटा के गुड़ा लगाएंगे, ये पलट जाएगा, 9 नीचे आएगा, 4 ऊपर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, देखो कोई नंबर किसी से कटेगा नहीं, तो गुणा हो जाएगा 8 × 4 = 32 और 9 × 63 = 63। ये हो गया आंसर। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे ध्यान दो आप, मैं क्या सब मैं ही बताऊँ क्या, बेवकूफ़ समझ रहे हो, इसको खुद से करके उत्तर बताना। मैंने दो बता दिया इस तरह का, अब हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, बहुत ईमानदारी से देखो और लिखते जाओ बच्चा, नोट नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, नोट नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और हमारी बात को बुरा नहीं मानना, देखो बच्चा मतलब वो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, इसका मतलब कुछ गलत नहीं समझना, क्योंकि हमारी आदत है थोड़ा सा क्लास में भी स्टूडेंट आते हैं ना, तो बस चलो आगे। तो आप भी स्टूडेंट ही हैं अगर पढ़ रहे हैं तब। ये हो गया इतना, ओके। तो ABCD, अब हम कुछ क्वेश्चन नए लेंगे, जैसे मैंने सी वाला दिया आपके लिए, आप कह रहे होगे अपना आसान आसान कर दिए और मेरे लिए बड़ा वाला दे दिए, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन ये बार बार क्यों आता है यार, मतलब ये ख़त्म हो गया था तभी फिर भी क्यों आ रहा बार बार ये, मतलब इसकी कौन सी ये लफड़ा है। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 18/5 यहाँ पर लिख दो, कोई ऐसा नंबर लिख दो जो कि उधर साइड से डिवाइड हो सके। मतलब मान लो मैंने लिख दिया 105, अब चलो क्या होगा, आसान है, वेरी इजी है, सिंपल सा है। चलो देखो, अब की तो मैंने लिख ही दिया है 49। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाना चाहता हूँ, हाँ ठीक है। नीचे इसको ऐसे लिख लो, पहला भिन्न मैंने लिख लिया, भाग का चिन्ह हटा के गुणा लगाओ, ये पलट जाएगा, 105 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आएगा, फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बस है ना। 5 से काट दो, 5 × 7 = 35, ये 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, कटेगा क्या, 49 18 से कभी नहीं, क्यों, क्योंकि ये बच्चा भैया लोग, ये सम संख्या ये विषम संख्या है, सम विषम संख्याएं कभी एक दूसरे से कटती नहीं है, उसी प्रकार से जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की शादी को सही नहीं माना जाता है, समझ रहे हो ना, मतलब समाज में, बाकी कोर्ट तो मानता है। आगे देखो ये क्या है, अभी एक बात यहाँ और है, ये 7 है, ये 49 है ना, तो ये कट जाएगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 7 = 49, बोलो हो गया ना। अब देखो जो नए नए मोहरे आए हैं वो क्या है, यहाँ 7 आया, ऊपर यहाँ 1 आया, यहाँ 18 है,
यहाँ क्या है 21। अभी ये फिर भी डिवाइड हो रहा है, हो रहा है कैसे? देखो तीन से अभी ये कटेगा, 3 6 18 और 3 7 21। तो फाइनल ये हैं, कौन से ये फाइनल है, 7/1 × 7/6। मतलब भैया लोग क्या आएगा, ये 49/6, ये उत्तर हो गया। इसको आप भाग दोगे तो आप इसे मिश्र फ्रैक्शन में बदलोगे, कितनी बार जाएगा, 6 8 48 ना, 8 सही 1/6 ऐसे कुछ आएगा ना। हाँ लिख लेना, यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो मैंने इसको सीधा सीधा लिखा था, इसको पलट के लिखा था, हमने सबसे पहले क्या किया था, काटा था 3 6 18, 3 7 21 वहाँ से भी मान लो, लेकिन मैंने तो सबसे पहले इसको किसी और से काटा था भाई, 18 था ना ये, देखो 49 7 से मैंने काटा था इसको, 7 5 35। देखो एक बार थोड़ा सा मुझे झंझटी लग रहा है ये, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है, ओके आगे बढ़ें। लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो मैं एक बार इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये बहुत एक में घाचा पाचा हो गया ना। चलो देख लो फिर से एक बार, थोड़ा सा देख लो बस, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। वैसे तो हो गया, क्लियर भी हो गया, लेकिन ये इतना बार कट गया ना इसी में कि आपका दिमाग कट रहा होगा। देखो ये 49 ऐसे लिख लो, 35 लिख लो, गुड़ा का चिन्ह लगा लो, 105/18 लिख लो, हर एक स्टेप अलग अलग लाइन में करो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम 5 से काट रहे थे, 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5। इसको अगर मैं काटने की कोशिश करूँ तो ये नहीं कटेगा। अब हम फिर से वैसे लिख लेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ये है कि अगर आप नहीं करोगे तो इसको कई स्टेप में, कई लाइन में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैसे, ये 49/7 आ जाएगा फिर, और ऊपर देखो 21 आया था, नीचे 18 आया था, अभी ये फिर डिवाइड होगा, फिर आपको लंबा खींचना पड़ेगा, याद रखना। अब ये 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 7 49, ये 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 7 21। अब देखो यहाँ 7 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 6 आया, तो फाइनल में 7 7 49 और 3 ये जो नीचे 6 था 6 आ गया। थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा ना, बोलो हुआ कि नहीं, क्योंकि एक में खटर मटर हो जा रहा था। लिख लो जल्दी से, जल्दी करो। देखिए कुछ और भी नए क्वेश्चन हैं, बहुत ही ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो इनको। इतना पर्याप्त तो दिख तो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। देखो इसमें क्या करना है, 75/18 है, डिवाइड का चिन्ह है, 150 है, फिर 108 है। इसमें भी वही सिंपल सा करना जैसे आप करते आए हो, पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन लिख लो 75/18, उसके बाद बीच में मल्टीपल लगाओ, भाग का चिन्ह हटा दो, 108 को ऊपर कर दो और ये 150 को नीचे कर दो, यही तो होता है ना इसमें ऊपर नीचे। अब क्या होगा, काट दो इसको, 75 1 75, ये भैया 75 2 कितना होता है, 150 होता है ना, इसको काट दो, 18 से काट दो, 18 5 90, 18 6 108, नहीं कटेगा ये, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होगा, ये लफड़ा फंसा देगा। अब तो क्या होगा, फिर होगा क्या, जो बच रहा बचा लो सीधा फीधा, फिर अब कुछ नहीं कटेगा। ये 1/18 हो जाएगा और ये 105/2 हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल कर लो, 105/36 हो जाएगा। आप इसको भाग दे लेना, सही बटा में लिख लेना, मतलब मिश्र भिन्न के रूप में, बाकी उत्तर तो इतना हो गया ही पर। बात समझ में आई ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मिश्र भिन्न के रूप में लिखते कैसे हैं। ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पर कि मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर अगर हम भाग करें 105 में किससे, 36 से, तो आप जानते हो 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 72 बार हो जाएगा ना। 3 बार अगर जाएगा, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 108 आएगा, गलत हो जाएगा, तो घटाओगे 5 से 2 3, और ये बच्चा कितना आएगा, 3, यानी आपका 33 सही 2/36 आएगा। कितना आएगा, 33 सही 2/ और ये 36, ठीक है। आप इसको हल कर लेना और गुणा भाग कर लेना, फिर उसके बाद बताना जैसे भी होगा। देखो इसमें लेकिन अभी तो ये और भी जाएगा ना आगे, अभी इतना तो यहीं ख़त्म हो जाएगा क्या, ट्राई करके देखो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कि अभी और आगे करेंगे। देखो ये ठीक इसलिए नहीं है ना, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा जल्दी कर दिया, अभी और भी ये डिवाइड हो रहा है, अभी और भी डिवाइड हो रहा है, तो आप ऐसे इसको भाग नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसको पूरा तरह से छोटा कर लो तब आप वो तरीका अपनाओगे। अभी देखो 3 से कट रहा है, यहाँ भी कटता है, यहाँ भी काट दो, तो 3 1 3, 3 2 6, और ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 5 15,
अब ये रियल वाला आया 35/12। अब इसको भाग करो तब समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग थोड़ा आगे कर दिए थे, ज़्यादा स्टेप बढ़ा दिए थे। तो 35 में भाग करो 12 से, तो आप जानते हो 12 दूना 24 जाएगा, कितना जाएगा 24, घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 11 आएगा ना, और कुछ होगा क्या इसमें? 12 3 36 ज़्यादा हो जाता, 12 दूना 24, ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना आएगा, ये कितना आएगा, ऊपर कितना गया, 2 गया ना। तो अब आप हमें बताओ 2 सही 11 बटे कितना आएगा, 2 सही 11 बटे 12, क्यों 12 दूना 24, 24 में 11 जोड़ो आ जाएगा ना, तो ये होता सही बटे में। बात समझ में आई ना? हमने क्या किया अभी तक, हमने सिर्फ एक ही सवाल को हल किया, वहाँ तक गया जो ऊपर जो ब्लैक में लिखा, वो दूसरा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो, तो मैं उसको भी बताता हूँ, ठीक ना। ऊपर ब्लैक वाला क्वेश्चन है, वो सलूशन नहीं है, जो रेड कलर में है उतना ही सलूशन है, याद रखना। और हाँ, लास्ट वाला ये फाइनल आंसर है, ये लास्ट वाला फाइनल आंसर है, जो रेड कलर में है सलूशन है, बाकी सब क्वेश्चन है, सिर्फ रेड कलर वाला सलूशन है, बस लिख लिए ना, आगे चलें। चलो ठीक है, ओके। देखिए स्टूडेंट, अब आप इसको अच्छे से कर लोगे तो हम क्या करें ना, अब हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप करना और फिर हमें बताना, ये आप घर से करना। इसको मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन आप लोग इस क्लास को खूब शेयर करना, तभी अगली क्लास होगी, नहीं तो अगली क्लास अब आएगी ही नहीं, याद रखना। मैं बार बार यही बताता हूँ आपको, और आप इस बात को समझिए कि वीडियो को खूब शेयर करिए। जैसे आप फालतू का वीडियो वायरल कर देते हो एक दूसरे को भेज के, देखो यार इसमें क्या है क्या है, वैसे फालतू का बोल के भेज दो कितना मज़ेदार वीडियो है ना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो आपको बेहतर, हम भी कोशिश करेंगे क्लास देने की, नहीं तो लोग देखते नहीं तो मन टूट जाता है, और दिल टूटा हुआ इंसान आप समझ ही सकते हो कैसे होता है ना, तो फिर दिल मत तोड़ो यार, आप लोग शेयर करो। मिलते हैं फिर, जय हिंद। याद रखना ये क्लास हर दिन इस समय सुबह 5 बजे वीडियो आ जा रहा है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे तो आपको सारी क्लासें मिलती। सबसे ऊपर देखो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, पहला वाला, दूसरा वाला कॉल का नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 30 दिन के अंदर पूरा मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, उसके लिए आपको प्रीमियम क्लास लेना होगा पेमेंट करके। बाकी फ्री क्लास के लिए आप यूट्यूब चैनल देखते रहें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें, अनअकैडमी पर फॉलो करें, ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।